हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो भाई आज के वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ गणेश चतुर्थी के ऊपर फोटो एडिटिंग तो गणेश चतुर्थी को और तीन चार दिन ही बाकी रह गया है एंड अभी तक अभी आप भाई लोगों ने कोई भी फोटो एडिटिंग नहीं की हो तो गाइस आज का वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है तो गैस मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा आज के वीडियो को आपको पूरा एंड तक देखना होगा तभी आप लोग बहुत ही आसान तरीके में सीख पाओगे एंड गाइस आज का वीडियो आपको ज़रा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियोज़ को एक लाइक करके चैनल को भी आज जल्दी से सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर लेना तो फिर गैस चले फिर जल्दी से इस कमाल की वीडियो के पे स्टार्ट करते हैं सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं पिक्सार्ड एप्लीकेशन के अंदर ये वाला बैकग्राउंड को तो मैं ऐड कर लिया तो बैकग्राउंड को ऐड करने के बाद सबसे पहले गाइस आपको सिंपली क्या करना है आपको बताता हूँ तो सबसे पहले जैसे कि आप लोग देख सकते हैं जो फोटो का ऑप्शन आप लोगों को दिख रहा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो मैं फोटो पर जाकर मेरे मॉडल के फोटो को मैं ऐड कर लेता हूँ ठीक है गाइस सो so गाइज आप लोग देख सकते हो मैं मेरे मॉडल का फोटो का एड कर चुका हूँ तो फोटो का कुछ इस प्रकार से बड़ा करके आपको क्या करना है कुछ इस प्रकार से नीचे से आपको एडजस्टमेंट कर लेना है जैसे कि गाइस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना कुछ इस प्रकार से तो एकदम अच्छे तरीके से मैं टाइम देकर मैं सेट करूँगा देन आपको सिंपली क्या करना है ऐड फोटो पे जाके एक और बीच को ऐड कर लेना है ठीक है गाइज सो so गाइस आप लोग देख सकते हो मैं ये वाला पिंची को ऐड कर चुका हूँ तो इसको सिंपली आपको बड़ा करके फुल के मतलब बैकग्राउंड पे नया सेट करना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो तो ये वाली पिंंची को एकदम नीचे से लगा देने के बाद सिंपली डन करके गाइस बैक चलना है तो गाइस आप लोग को डन करके बैक चलने के बाद इस बार आपको सिंपली अगेन यहाँ पे ऐड फोटो पे जाकर और पिंची को जल्दी से मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ So सो गाइज तो आप लोग देख सकते हो मैं एड पड़ोस इस बार भी मतलब यहाँ पे दो पिंजी को ऐड कर चुका हूँ सबसे पहले जो ये वाला मतलब आप लोगों को पिंजी दिख रहा है इसको साइड में रखते हैं सबसे पहले टेक्स का जो पिंजी गणेश चतुर्थी का तो इसको आपको सिंपली क्या करना है छोटा करके कुछ इस प्रकार से यहाँ पे सेट करना है जैसे कि आप लोग देख सकते हो देना गाइज आपको सिंपली क्या करना है यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये वाला पिंंच इसको सिंपली आपको बड़ा करके मतलब फोर गॉम पे लगाना है जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो गाइज़ यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मैं फोर गम पे ही लगाऊंगा ठीक है एकदम अच्छे तरीके से ठीक है गाइज तो एकदम अच्छे तरीके से मैं टाइम देख ही मतलब ऊपर की तरफ से मैं सेट करूंगा जैसे कि आप लोग देख सकते हो देन आपको डन करके गाइस बैक चलना है तो डन करके बैक चलने के बाद इस बार आपको सिंपली क्या करना है अगेन यहाँ पे एड पिट पर जाके और जी को जल्दी से मैं ऐड कर लेता हूँ ठीक है सो so गायस आप लोग देख सकते हो मैं इस बार मतलब ये पर टीके का जो पिंजी होता है ना इसको मैं ऐड कर चुका हूँ तो इसको सबसे सब पहले क्या करना है इसे टीके जो पिंजी इसको सिम्पली फोटो को जूम करके मेरे मॉडल के माथे के ऊपर एकदम अच्छे तरीके से मैं सेट करूँगा जैसे कि गायस आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ना कुछ इस प्रकार से आपको टाइम देखे एकदम अच्छे तरीके से सेट करना है जैसे कि गाय आप लोग यहाँ पे देख सकते हो ठीक है तो एकदम अच्छे तरीके से सेट करने के बाद सिंपली आपको क्या करना है बताता दूँ आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है गाइस यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो एड का ऑप्शन है इसके अंदर जाके यहाँ पे एक और पिंजी को ऐड करना है सो so गाइस आप लोग देख सकते हो मैं इस बार ये वाला पंची ऐड कर चुका हूँ तो इसको सिंपली बड़ा करके फोर काम पे लगा देना है डन आपको सिंपली क्या करना है आपको सिंपली से डन करके गए बैक चलना है तो गाइस आप लोग को डन करके बैक चलने के बाद इस बार आपको सिंपली क्या करना है गए यहाँ पे जैसे कि आप लोग देख सकते हो पिक्स आर्ट के अंदर हमारा काम कंप्लीट हो चुका है तो लाइटूम के अंदर जाकर फोटो का कलर ग्रेडिंग करना है तो चले गए चलता है लाइटम आपके अंदर ठीक है गाइस सो गाइज आप लोग देख सकते हो मैं लाइट रूम एप्लीकेशन के अंदर ओपन हो चुका हूँ तो गाइज मैं पहले से मतलब लाइट रूम के अंदर फोटो को भी ऐड कर चुका हूँ तो सबसे पहले आपको क्या करना है ऑल फोटोज़ के अंदर सिंपली यहाँ पे टैप करके सबसे पहले तो फोटो के अंदर सिंपली ओपन कर लेना है तो भाई फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है फोटो का लाइट को सबसे पहले एडजस्ट करना लाइट टूल्स के अंदर जाना सबसे पहले फोटो का एक्सपोजर को बढ़ा देना है कुछ इस प्रकार से यहाँ पे एंड कॉन्ट्रास्ट को कम करके आपको जिस प्रकार से कॉन्ट्रास्ट को आपको जिस प्रकार से मतलब कम करना है हाईलाइट को थोड़ा सा करके आपको कम करना है जैसे मतलब बढ़ा लेना है हाईलाइट को एंड शेडो को कम करके व्हाइट को बढ़ा देना है व्हाइट को सिम्पल बैठक ब्लैक को भी बढ़ा देना है देन आपको सिंपली क्या है आपको कलर टूल के अंदर क्लिक करके मिक्स टूल के अंदर जाना है एंड मिक्स टूल के अंदर आने के बाद से रेड कलर करके ह्यू को कम करके आपको सेचुरेशन बढ़ा के लगभग इतना रखना है देन ऑरेंज कलर के अंदर क्लिक करके ऑरेंज के सचुएशन कम करके एलिमिनेशन बढ़ा के फेस को यहाँ पे घोड़ा करना है देन येलो कलर के अंदर आके येलो के हल्का सा ह्यू को कम करके सेचुरेशन बढ़ाना है देन आपको ग्रीन कलर के अंदर सिंपली टैप करके ग्रीन के भी ह्यू को हल्का सा करके आपको यहाँ पर जिस प्रकार से बढ़ा के आपको सेचुरेशन को भी बढ़ा लेना है लगभग ऑलमोस्ट करके आपको इतना सा रखना है ठीक है देन आपको सिंपली क्या करना है आपको इस यहाँ पे सी एन कलर के अंदर क्लिक करके सी एन कल के ह्यू को फुल्ली माइनस करके सेचुएशन फुल हाई कर देना है देन आपको ब्लू कलर के अंदर सिंपली जाके ब्लू के ह्यू को कम करके सेचुरेशन को बढ़ा देना है ठीक है तो आपको सिंपली क्या करने उसके बाद आपको इस कलर के अंदर डन करके बैक चलना है एंड इसका भी टेम्परेचर माइनस है सिक्स एंड टीन को बढ़ाकर लगभग सिक्स रखना है एंड भाइब्रेशन को बढ़ाकर लगभग ट्वेंटी फाइव एंड आप सेचुरेशन को बढ़ाकर लगभग करके फोर एफ सिक्स के आसपास रखना है ठीक है देन आपको जाना है ट्राइंगल टूल के अंदर तो कैसे आप लोग को ट्राइंगल टू के अंदर आने के बाद पूरे टेक्स्चर को बढ़ाकर लगभग टेन रखना है क्लीयरिटी बढ़ाकर यहाँ पे लगभग एट के आसपास रखना है डी एस को टू बढ़ा के विनिटी अमाउंट को माइनस की और रखना है लगभग करके यहाँ पे फिफ्टीन माइनस रखना है यहाँ पे यहाँ पे इतना को सिंपली ट्राइंगल टूल या हो जाने का शार्पनेस टूल के अंदर जाके सबसे पहले तो फोटो का यहाँ पे सबसे पहले शार्पनेस को बढ़ाकर फोर्टी फाइव रखना है एंड फोर्टी रखना है राउंडनेस बढ़ा देना है यहाँ पे नो एच रेशन को सिंपली यहाँ पे बढ़ाना है ठीक है धन आपको सिंपली क्या करना है स्मूथ को कम करके फोटो का डिटेल्स को के लगभग यहाँ पे सेवेंटी के बीच में रखना है तो इतना कम करने के बाद गैस देख सकते हो हमारा फोटो एकदम तो मन की रेडी हो जाएगा जैसे कि भाई आप लोग यहाँ पे देख सकते हो फोटो देखने में कितना ज़्यादा शानदार लग रहा है तो भाई आज के वीडियो के अंदर गैस इतना ही था तो वीडियो आपको ज़्यादा सा भी पसंद आया तो भाई वीडियो को एक लाइक करके चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब करके बेलाइकन को भी प्रेस कर लेना तो गैस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट और धमाकेदार एक टॉपिक के साथ तब तो तक के लिए गैस बाय बाय अपना ख्याल रखना